नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद मौर्य और आप देख रहे हैं द एएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फ्री डोमेन, फ्री होस्टिंग और फ्री वेब डिज़ाइनिंग टूल के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि आप अपनी कंपनी के लिए वेबसाइट फ्री में रेडी कर सकते हैं, वो भी यूं चुटकियों में। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखते रहिए। तो फाइनली दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। दोस्तों यहां पर हम profreehost.com नाम की एक वेबसाइट को ओपन कर रखा है। दोस्तों ये आपको फ्री में होस्टिंग, फ्री में डोमेन प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों इसी के फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग को यूज़ करके हम वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे अपना ईमेल आईडी एंटर करना है और यहाँ पर एक अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद इस टिक मार्क को क्लिक करके डन कर देना है। इसके बाद दोस्तों एक ईमेल हमारे मेल बॉक्स पे गया है, जिसको क्लिक करके वेरीफाई करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमें एक ईमेल जो है freehost.com की तरफ से रिसीव हुआ है, जिसको मुझे एक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करके वेरीफाई कर देना है। तो अभी दोस्तों हमारा अकाउंट जो है एक्टिवेट हो चुका है और अब मुझे यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों दो सबडोमेन टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको कोई भी एक चूज कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ezyro.com सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर हम एक माय डेमो करके URL डालते हैं, बट ये अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर चलिए मैं अपना अरविंद मौर्य नाम पूरा एंटर कर देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर देखिए arvindmaurya.ezyro.com अवेलेबल है। ये मुझे फ्री में डोमेन मिल जा रहा है। अगर आपको फ्री डोमेन यूज ना करना हो और आप अपना प्रीमियम डोमेन यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कस्टम डोमेन पर क्लिक करके अपना डोमेन नेम एंटर कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर दोस्तों हम डेमो पर्पज़ से arvindmaurya.ezyro.com सब डोमेन को यूज़ करने जा रहा हूँ। यहाँ पर उसे डन कर देना है। तो फाइनली दोस्तों ये arvindmaurya.ezyro.com एक तरीके से डोमेन नेम हमारा क्रिएट हो चुका है, जो कि अभी एक्टिवेट होने में थोड़ा समय लगेगा। इसे दोस्तों हम यहाँ पर मैनेज पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए मेरा यूज़र नेम दिखा रहा है और स्टेटस में अभी क्रिएटिंग ही दिखा रहा है। तो थोड़ा समय वेट करने के बाद आपको पेज को रिफ्रेश करना होगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए मेरा अभी अकाउंट स्टेटस जो है एक्टिव दिखा रहा है। ये यहाँ पर मेरा अकाउंट स्टेटस एक्टिव है और मेरा मेन डोमेन जो है ये arvindmaurya.ezyro.com है। इसको मैं क्लिक करके चलिए देख लेता हूँ, यहाँ से इस पर क्लिक करना है। तो ये मेरा डिफॉल्ट, मेरे डोमेन का जो डिफॉल्ट पेज है ओपन हो रहा है। इसका मतलब है कि मेरा डोमेन एक्टिवेट हो चुका है। तो अब मुझे इस डोमेन पर अपनी वेबसाइट रेडी करना है। तो अपनी वेबसाइट को, इस डोमेन पर अपनी वेबसाइट को रेडी करने के लिए दोस्तों मुझे यहाँ से कंट्रोल पैनल में जाना है। दोस्तों यहाँ पर एक नोटिस, इम्पोर्टेंट नोटिस है जो profreehost.com की तरफ से दिया गया है। इसको ऐसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और इसको अप्रूव कर देना है। और अब फाइनल हम अपने होस्टिंग पैनल पर पहुँच चुके हैं। दोस्तों वेबसाइट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले अपना वेबसाइट पे जो है फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है। तो फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों चलिए नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये सॉफ्टवेयर सेक्शन में ये सॉफ्ट प्लस ऐप इंस्टॉलर है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों ये वर्डप्रेस पहला आपको दिखाई दे रहा होगा, वर्डप्रेस। यहाँ से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर वर्डप्रेस का ओवरव्यू दिखा रहा है कि आपको ये 5.4 इंस्टॉल कर रहा है। HTTP है arvindmaurya.ezyro.com, मेन डायरेक्टरी में करना है। कोई भी आगे मुझे डायरेक्टरी नहीं बनानी, इसलिए इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पर उसका नाम दे सकता हूँ, अपनी साइट का नाम। तो फॉर एग्जांपल मैं अरविंद मौर्य दे रहा हूँ। यहाँ पर डाल देना है मुझे माई पर्सनल ब्लॉग या माई पर्सनल वेब साइट। और उसके बाद यहाँ पर मुझे पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। और यहाँ से यूजर नेम एडमिन क्रिएट हो गया, पासवर्ड क्रिएट हो गया। उसके बाद डिफॉल्ट ईमेल आईडी जो आ रहा है उसको मैं रख सकता हूँ, चाहे तो इसे चेंज भी मैं कर सकता हूँ। तो ये मैंने अपनी यहाँ पर एक ईमेल आईडी एंटर कर दी। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये सेलेक्ट प्लगइन है, कोई अगर ये दो प्लगइन में से कोई सा भी प्लगइन जैसे क्लासिक एडिटर या लॉगिन अटेम्प्ट
कोई भी प्लगइन, दोनों में से कोई प्लगइन अगर इंस्टॉल करना है तो चाहे इसको चेक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, बट मुझे इंस्टॉल नहीं करना है तो उसको ऐसे ही छोड़ देना है। एडवांस ऑप्शंस पे दोस्तों यहाँ पर डेटाबेस नेम है, तो यहाँ पर आप डेटाबेस दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डेटाबेस दे देता हूँ द एम, और यहाँ पर टेबल प्रीफिक्स है, जैसे उसको मैं ए एम कर देता हूँ, ए एम उसके बाद अंडरस्कोर रहेगा, इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर देना है। तो दोस्तों फाइनली ये इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पर ये मेरी वेबसाइट है, इसको राइट क्लिक करके नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए ये मेरा वेबसाइट का पेज जो डिफॉल्ट फ्री वही है वही ओपन हो रहा है, और उसके बाद में मुझे ये एडमिन WP एडमिन पैनल है, इसको ओपन कर लेता हूँ राइट क्लिक करके, सेम प्रोसेस है। तो ये वर्डप्रेस का दोस्तों डैशबोर्ड है, यहाँ से आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, डायरेक्टली विजिट वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको राइट क्लिक करके नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये डिफॉल्ट वर्डप्रेस की वेबसाइट का डिफॉल्ट पेज जो है यहाँ पर ओपन हो रहा है। अब मुझे यहाँ पर थीम इंस्टॉल करनी है और अपनी वेबसाइट को कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मुझे प्लगइन्स सेक्शन में आना है, यहाँ से आपको इंस्टॉल ऐड न्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक प्लगइन सर्च करना है एस्ट्रा, पहला ही आपको मिल जाएगा प्लगइन, आपको इस पे इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर देना है। दोस्तों प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल होने के बाद मुझे इसे एक्टिवेट कर देना है। यहाँ से दोस्तों आपको सी लाइब्रेरी में क्लिक करना है, मैं यहाँ से एलिमेंटर पे क्लिक कर लेता हूँ। अब एलिमेंटर के अकॉर्डिंग हमारे सामने दोस्तों थीम्स, जो भी वेबसाइट के थीम्स हैं सामने आ चुके हैं। यहाँ पर आल है, आल से मैं यहाँ पर फ्री कर देता हूँ, ताकि फ्री टेम्पलेट ही जो है मुझे वही दिखाया, तो मैं यहाँ पर फ्री टेम्पलेट को टिक कर दिया हूँ। अभी देखेंगे तो यहाँ पर फ्री चेक है, तो इसके बाद सारे ये फ्री टेम्पलेट ही यहाँ पर नीचे हमें दिखाई दे रहा है। तो इनमें से कोई भी फ्री टेम्पलेट हम इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट को रेडी कर सकते हैं। बस आपको अपने अकॉर्डिंग कोई अच्छी सी एक थीम सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मुझे ये अपनी थीम एक पसंद आ रही है डिजिटल एजेंसी, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ऐसे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ये होम पेज, अबाउट अस, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस, ये चार पेज रेडीमेड मिलेंगे आपको, बस आपको उसके कंटेंट चेंज करने हैं और अपनी वेबसाइट में उसे कन्वर्ट कर लेना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर इम्पोर्ट कंप्लीट वेबसाइट, यहाँ से एक ऑप्शन है इम्पोर्ट कंप्लीट वेबसाइट का, यहाँ से आपको क्लिक करके इस वेबसाइट का पूरा पूरा लुक आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा, यहाँ से आपको इसे क्लिक कर देना है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से आप देख लीजिए। अगर आपने इससे पहले भी इसी थीम का कोई प्रीवियस इंस्टॉल करके रखा है, तो यहाँ पर आप उसको चेक करके पुराना डिलीट करके नया इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमारे पास कोई नहीं, मैं फ्रेश पहला थीम ही इस पर इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मुझे पहले वाले को अनचेक ही रहने देना है। आपको इम्पोर्ट पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इम्पोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, और ये कुछ समय लेगा, तो कुछ समय के लिए आपको पेशेंस रखना है। तो फाइनली दोस्तों देखिए थीम इंस्टॉल हो चुकी है, हमारे सारे प्लगइन रिक्वायर्ड प्लगइन जो भी थे वो भी इंस्टॉल हो चुके हैं, और डेमो डेटा भी इंपोर्ट हो चुका है। अब भी हम यहाँ पर विजिट साइट पर क्लिक करके हम अपनी साइट का जो भी डेमो डेटा इंपोर्टेड हुआ है उसके साथ पूरा जो भी लुक एंड फील आ रहा है उसको यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो इस पर हम व्यू साइट पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों ये नए टैब में हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है, और देखिए ये ओपन हो गया वेबसाइट हमारा। तो पूरा देखिए वेबसाइट स्टार्ट टू एंड पूरा का कम्प्लीटली सेम पेज डिक्टो पेज आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर देखिए फुटर पर भी कॉपीराइट आप ही के नाम से पूरा आ चुका है। आप इसे अब भी आपको बस इसके कंटेंट को चेंज करना है, और जो भी इसमें डिटेल्स है वो चेंज करनी है, बस आपकी आपको अपने रियल कंटेंट में इसको बस कंटेंट चेंज कर देना है एक बार, बस आपकी वेबसाइट एकदम फुल फ्लैश्ड रेडी है। अभी हम इस डैशबोर्ड पर वापस आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए पेजेस का सेक्शन है, ऑल पेजेस में अगर जाएंगे तो जितने भी वेबसाइट के पेजेस हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ये अबाउट, कॉन्ट्रैक्ट, होम, प्राइवेसी पॉलिसी, हालांकि उधर लिंक नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा ये पेज, और सैंपल पेज एक पड़ा हुआ है ये भी उधर लिंक नहीं है, सर्विसेज का पेज लिंक है। यहाँ से आप ऐड न्यू पेज पर क्लिक करके कोई भी नए पेज आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इन पेजेस के डेटा को एडिट करने के लिए, जैसे कि आपको होम पेज एडिट करना है तो आप यहाँ पर होम पेज है, यहाँ से आप एडिट विथ एलिमेंटर पर क्लिक करके
पेज के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आपको एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, हम अपने वेबसाइट के होम पेज को एडिट करने जा रहे हैं और फाइनली एलिमेंटर एडिटर पर इसे ओपन भी कर लिया है हमने। तो अब भी यहाँ पर अगर आपको ये मान के चलिए, अगर आपको ये हेडिंग जो स्टनिंग बिजनेस वेबसाइट, इस पर हेडिंग को चेंज करना है, तो आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है ऐसे। और क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये कंटेंट इधर आपको लेफ्ट साइड में दिख गया है, यहाँ से आपको कंटेंट को चेंज कर देना है। जैसे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये चेंज कर देता हूँ, और उसके बाद अगर आपको उसके ऊपर का ये चेंज करना है तो इस पर आप क्लिक कर देंगे, उसका इधर टेक्स्ट दिख गया, वो आपको यहाँ पर चेंज कर देना है। तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से, जो भी आपको ठीक है उस हिसाब से डाल सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें आपको रिमूव करनी है, फॉर एग्जांपल अगर ये आपको टेक्स्ट रिमूव करना है, तो यहाँ से एडिट का देखिए सिंबल बना हुआ है, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मिल जा रहा है। तो यहाँ से आप इस कंटेंट पार्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने इस कंटेंट को डिलीट कर दिया। उसके बाद अगर आपको ये इमेज चेंज करनी है, तो इमेज को चेंज करने के लिए जैसे कि आप देखिए, जहाँ से आपको एडिट के पूरा सेक्शन है, ये एक पूरा सेक्शन है, इस सेक्शन का यहाँ मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो देखिए, आपको यहाँ पर स्टाइल लेआउट ऑप्शन दिखाई देगा, उसके बाद स्टाइल दिखाई देगा। स्टाइल के बाद आपको देखिए यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर दिख जाएगी। ये पिक्चर आप यहाँ से चेंज कर सकेंगे, कोई भी पिक्चर आप यहाँ से अपलोड करके नहीं चेंज कर सकेंगे, या फिर आपकी कोई भी लाइब्रेरी में पहले से पड़ी है तो वो भी लगा सकते हैं। तो पिक्चर अभी फिलहाल मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। सेम टू सेम सारा कंटेंट आपको ऐसे ही एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपको अपडेट कर देना है यहाँ से, और उसके बाद अगर वापस आपको डैशबोर्ड पे जाना है तो आपको यहाँ पे बैक क्लिक किया हमने, यहाँ से आपको एग्जिट टू डैशबोर्ड कर देना है। आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे पुनः पहुंच जाएंगे, पुनः अपने पेजेस के सेक्शन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे पेजेस लिस्ट हैं। तो कोई भी पेज एडिट करना है तो सिंपली यही प्रोसेस है, आपको ऐसे ही एडिट करना है। और अगर आपको लोगो वगैरह चेंज करना है तो साइट का आपको यहाँ अपीयरेंस सेक्शन में आना है। अपीयरेंस सेक्शन में आपको देखिए थीम के बाद कस्टोमाइज ऑप्शन दिखाई देता है, बस आपको इस पर क्लिक करना है। कस्टोमाइज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये सारे ऑप्शंस आपको लेफ्ट हैंड साइड में ओपन दिखाई दे रहे हैं, और राइट साइड में आपको पूरा वेबसाइट दिखाई दे रहा है। तो आपको अगर हेडर का ये फॉर एग्जांपल हेडर में कुछ लोगो चेंज करना है, तो देखिए यहाँ पर हेडर पे जब क्लिक माउस ओवर करते हैं तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ जा रहा है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए साइट आइडेंटिटी के अंदर एक लोगो का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको अगर चाहें तो लोगो रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं लोगो को रिमूव कर दे रहा हूँ, और दोनों लोगों को रिमूव कर दे रहा हूँ, इससे क्या होगा लोगो नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर अनचेक भी हम कर देंगे, और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर डिस्प्ले द साइट टाइटल, साइट टाइटल ऑप्शन है, यहाँ पर हम अपना नाम डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको चेक कर दिया, लोगो की जगह मेरा नाम डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि मैंने लोगो हटा दिया और वहाँ पर अपना नाम डिस्प्ले करा दिया। अगर लोगो दिखाना है तो आपको नाम डिस्प्ले, जो डिस्प्ले द टाइटल साइट है, उसको आपको अनचेक कर देना, और अपना लोगो यहाँ से ब्राउज करके सेट कर देना, तो आपका वहाँ पर लोगो दिख जाएगा। तो उसके बाद अभी यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं, अगर उसको सेव करना है तो उसको आप पब्लिश करके सेव कर देंगे। तो दोस्तों, हमने लोगो हटा के अपना नाम सेट कर दिया है। उसके बाद देखिए कई सारे और भी ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में आप जाके हेडर, जैसे फुटर का है तो फुटर कंटेंट भी यहाँ से एडिट हो जाएगा, विजिट्स भी आप चेंज कर सकते हो, मेन्यूज भी यहाँ से एडिट कर सकते हो आप। और आपको यहाँ पर जैसे ग्लोबल में फॉन्ट वगैरह है, फॉन्ट साइजिंग वगैरह है, कलर्स वगैरह हैं, तो आप उनको भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो फाइनली कोई भी चेंज करने के बाद आपको यहाँ पर पब्लिश करके उसे सेव जरूर कर देना है, ताकि वो जो भी सेव आपने चेंजेस किए हैं वो सेव हो जाएं। और उसके बाद आपको अगर वापस डैशबोर्ड पे जाना है तो आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। तो फाइनली दोस्तों, हमने फ्रंट पेज को एडिट करके थोड़ा सा देख लिया है, और कम्प्लीटली पूरा डेटा, डेमो डेटा इम्पोर्टेड है, एक तरीके से हमारी पूरी वेबसाइट रेडीमेड है। बस मुझे अपने सिंपल अपने ओरिजिनल कंटेंट से उसे रिप्लेस करना है, चेंज करना है, उसके बाद हमारी पूरी वेबसाइट फुल फ्लेश्ड रेडी हो जाएगी। सो फाइनली उम्मीद है दोस्तों कि वेबसाइट डेवलपमेंट की ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर
हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप ही की तरह कई सारे लोग अपनी कंपनी की वेबसाइट को डेवलपमेंट करना एकदम फ्री में सीख सकें। तो फाइनली फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।